विमान हादसे में मध्य प्रदेश सरकार ने अफसरों को क्लीन चिट दे दी है और ठीकरा कैप्टन माजिद अख्तर पर फोड़ दिया है। सरकार ने जांच की क्लोजर रिपोर्ट में ये कहा कि विमान की रफ्तार ज्यादा होने के कारण हादसा हुआ, जबकि इस मामले में सबसे अहम जांच इस विषय पर हो रही थी कि आखिर सरकारी विमान का बीमा क्यों नहीं कराया गया। पूरे घटनाक्रम के बाद सरकार ने दो बड़े अफसरों की लापरवाही मानी है। एविएशन विभाग के सेक्रेटरी एस सर्वेंद्रम और डायरेक्टर बी विजय दत्ता को नोटिस जारी करके पूछा गया था कि आखिर विमान का बीमा क्यों नहीं कराया गया। अब इस मामले में सरकार ने अफसरों को क्लीन चिट दे दी है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह ने 65 करोड़ के विमान के नुकसान को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि विमान चलाने की जिम्मेदारी पायलट की होती है और बीमा कराने की जिम्मेदारी अफसरों की होती है। इसमें कैप्टन की क्या जिम्मेवारी है, तो सरकारी व्यवस्था है। और ये कितना दुर्भाग्यजनक है कि मध्य प्रदेश सरकार 65 करोड़ का नुकसान हो गया और 65 करोड़ के नुकसान के बाद क्लीन चिट दे रही है। और लापरवाही क्या है कि साहब इंश्योरेंस नहीं कराया। इंश्योरेंस क्या कैप्टन कराता है? कैप्टन तो विमान उड़ाता है। ये तो एविएशन विभाग की जिम्मेवारी है। एविएशन विभाग पर इस जिम्मेवारी फिक्स करनी चाहिए और इसका जो है खामियाजा उनसे मांगना चाहिए। ये जवाबदारी है सरकार की। और ये कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस, हम कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे, जमीन में गाड़ देंगे, पेड़ पे लटका देंगे। और वो सरकार ये कर रही है कि 65 करोड़ सीधे पानी में बहा दिए, आज उसके जो है सुधार भी नहीं हो सकता उसका। और उस 65 करोड़ पे आप कह रहे हैं कि जाओ बेटा कुछ भी नहीं, तुमने कोई गलती नहीं।